नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 4 के अगले पार्ट के रूप में पढ़ेंगे आरएच कारक को, यानी आरएच फैक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट www.studylearner.in पर भी आप जाकर वहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स लिखित रूप में मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आरएच कारक क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, आरएच फैक्टर जैसे आरबीसी होती है उसकी सतह पर ए और बी प्रतिजन पाया जाता है, उसी प्रकार आरबीसी की सतह पर एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसका नाम है आरएच फैक्टर। और इसकी खोज लैंड स्टीनर और विनर नामक दो वैज्ञानिक थे ने 1940 में की थी। इन्होंने रुधिर में एक प्रकार की एंटीजन का पता लगाया था। अब आरएच कारक का अर्थ क्या है कि आरएच कारक है वो एक रिसस नामक बंदर में सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। इस बंदर के नाम पर इसका नाम रख दिया आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर देख सकते हैं आप, आरएच फैक्टर केवल मनुष्य एवं रिसस बंदर में पाया जाता है, अन्य जंतुओं में इसकी खोज वो अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए इसको हम आरएच फैक्टर या आरएच कारक कहते हैं। आरएच फैक्टर दो प्रकार का होता है, यानी आरएच धनात्मक व आरएच ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। यानी ये दो प्रकार का हो गया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आगे हम बात करते हैं भारत में आरएच पॉजिटिव व आरएच नेगेटिव लोगों का अनुपात। यहाँ पे हम दोनों की तुलना करेंगे, विश्व और भारत की। देखिए, विश्व में 85% लोग हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं, जबकि 15% हैं वो आरएच नेगेटिव हैं। जबकि हम बात भारत की करें, भारत में 97% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, जबकि 3% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं। देखिए, क्या होगा जब आरएच पॉजिटिव कारक का रक्त आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया जाए, तो क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे आप कि रक्त आधान के समय, यानी रक्तदान करते समय या रक्त चढ़ाते समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। क्यों की जाती है? आरएच फैक्टर को आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच नेगेटिव को आरएच नेगेटिव का ही रक्त दिया जाता है। यदि आरएच धनात्मक रक्त वर्ग का रक्त आरएच नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाए या दिया जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया जाए तो अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन यानी थक्का जमने के कारण आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की है वो मृत्यु हो जाती है। तो रक्तदान के समय आरएच कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए खोज हुई कि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जब ए ग्रुप वाला या जैसे ग्रुप देखकर और किसी व्यक्ति में रक्तदान किया था लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए बाद में उन्होंने पता लगाया कि एक ऐसा कारक है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और वो था आरएच कारक, और इसकी खोज सर्वप्रथम बंदर में हुई थी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी आरएच धनात्मक पुरुष की शादी किसी आरएच ऋणात्मक महिला के साथ होने पर क्या होता है, तो देखिए कि हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आरएच महिला का जो पहला बच्चा है वह तो साधारण होगा, परंतु दूसरा बच्चा या तो माँ के गर्भ में ही मर जाएगा या बहुत कमज़ोर व हेपेटाइटिस से क्या होगा, ग्रसित होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस रोग को क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, और ये दूसरा है, इसमें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि क्या चेंजेज हैं। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का विवाह है आरएच नेगेटिव फीमेल से होने पर, यानी दोनों की शादी होने पर जो प्रथम बच्चा है वो सामान्य होता है, यानी नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
जबकि दूसरे बच्चे की गर्भावस्था में मृत्यु या जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस आरएच कारक के कारण होता है, जिसमें आरएच नेगेटिव महिला से उत्पन्न होने वाली संतान की मृत्यु हो जाती है। गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को एंटी आरएसडी यानी प्रति आईजीजी, जिसे रोहगम भी कहते हैं, रोहगम प्रतिरोधी कहते हैं, का टीका लगाया जाता है और उस महिला में फिर एंटीजन है वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे रक्तदान के बारे में। रक्तदान महादान होता है, रक्तदान जीवनदान होता है। प्रथम सफल रक्तदान डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस द्वारा जून 15, 1967 में किया गया था। उन्होंने एक भेड़ का रक्तदान एक 15 वर्ष के लड़के में किया था। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस, जिन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और इसके कारण आज ये क्रांति आ पाई है। रक्तदान की परिभाषा क्या है कि रक्तदान यानी रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट प्लाज्मा आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर क्या क्या अन्य व्यक्तियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? लाल रक्त कणिका है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है और संपूर्ण रक्त भी किया जा सकता है। ये होती है रक्तदान की परिभाषा, यानी रक्तदान में ये भाग है वो स्थानांतरित किए जाते हैं। अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो आप देख सकते हैं पहला कारण कि कुछ स्थितियों में जैसे कि चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान की आवश्यकता होती है। दूसरा है शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाले रक्त की हानि की आपूर्ति करने के लिए रक्तदान जरूरी है। रक्तदान का शाब्दिक अर्थ है सीधा सीधा रक्त दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना। अगला कारण है, तीसरा कारण कि रक्त संबंधी बीमारी के द्वारा उत्पन्न गंभीर रक्तहीनता या बिंबाणु अल्पता यानी रक्त में प्लेटलेटों की संख्या में कमी का उपचार करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है कि अधिक रक्तस्राव यानी जिसे हीमोफीलिया भी कहते हैं, यानी चोट लगने पर इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, या अर्धचंद्राकार लाल रक्त कोशिका संबंधी बीमारी से प्रभावित व्यक्ति के लिए बहुधा रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। रक्तदान की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि पहले इसमें रक्त संग्रहण करने का काम किया जाता है। पहला बिंदु है दाता या स्वास्थ्य परीक्षण करना, जो दाता होता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। दूसरा है विशेष थैलियों में दाता का रक्त संग्रहण करना। तीसरा है संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण करना। और चौथा है संग्रहित रक्त की पुनः जांच करना। अब है रक्त आदान कैसे किया जाता है, ग्राही के रक्त समूह का पता लगाना, संग्रहित रक्त को भंडारण से बाहर निकालना और अंत में ग्राही को चिकित्सक के देखरेख में रक्त चढ़ाना। रक्तदान के दौरान कुछ सावधानियां रखी जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर वन, दाता व ग्राही के रक्त से प्रतिजन का भली भांति मिलान करना। दूसरी बात है दाता के रक्त में रोग कारक के न होने की जांच करना कि उसे किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग न हो। दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। और अंतिम है संग्रहण व आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है। मनुष्य का रुधिर तंत्र एबीओ प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जीन प्ररूप सभी ब्लड ग्रुप के यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर हम देख रहे हैं कि ए
बी ए बी और ओ, ये चार प्रकार के रक्त समूह हैं। इनके जीन प्ररूप अलग अलग होंगे। जैसे आई ए का देखें हम, आई ए आई ए, आई ए आई, आई बी आई बी और आई बी आई, ए बी का आई ए आई बी और ओ का आई आई, यानी कुल जीन प्रारूप हैं वो छह प्रकार के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के अनुप्रयोग, देखिए क्या क्या अनुप्रयोग हैं, यानी जो रुधिर वर्ग है वो क्या क्या समस्याएं हल करने में हमारी मदद करता है। तो नंबर वन हम देखेंगे पितृकता संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्ताधान कराने में, नवजात शिशु में रुधिर लयनता के इलाज में और आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया के इलाज में। अब देखिए जो पैतृकता संबंधी विवाद हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना कि एक शिशु जिसका रुधिर वर्ग बी है उस पर दो दंपति, एक पी वन दूसरा पी टू अपना अधिकार जता रहे हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के मामलों को जीन प्ररूप या प्रारूप द्वारा सुलझाया जाता है। आप देख सकते हैं पहली दंपति है जिसका रुधिर वर्ग ओ ए बी है, यानी यहाँ पे हम इनके जीन प्ररूप दे सकते हैं, ओ का होता है आई आई, ए बी का होता है आई ए आई बी। और जो दूसरी दंपति है उसमें हम देख सकते हैं इनका रुधिर वर्ग ए बी और इनका जो जीन प्ररूप है वो होता है ए का आई ए आई ए, बी का होगा आई बी आई। अब कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा, आप देख सकते हैं पहली दंपति है जिसका रुधिर वर्ग जिसमें पुरुष का ओ है और महिला का ए बी है, जब इनमें संकरण होगा यानी जीन प्ररूप जब अलग अलग विभाजित होंगे तो देखिए आप यहाँ पे चार प्रकार के हमें यहाँ पे ब्लड ग्रुप प्राप्त होंगे, ए ए बी बी, यानी यहाँ पर 50% जो संतान है उनका ब्लड ग्रुप ए होगा और 50% का क्या होगा बी प्राप्त होगा। तो जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमें बी दे रखा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये संतान उनकी है। अब हम अगले पेरेंट्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इनकी बात करें तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, इस महिला का रुधिर वर्ग बी है, जब इनमें संकरण की क्रिया होगी जनन की क्रिया होगी तो देख सकते हैं आप चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे, ए बी ए बी ए और ए, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप वाली संतान है वो पैदा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये पितृकता संबंधी विवादों को हल करने में रक्त की आनुवंशिकता का बहुत ही अधिक महत्व है। और अब हम अंत में अंगदान व देहदान के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। एक निष्प्राण देह से करीब 50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुज़ुर्ग भी अंगदान या देहदान करने में सक्षम होता है। तो हम अंगदान करके किसी भी व्यक्ति यानी कई लोगों की हम एक देखें एक जो निष्प्राण देह उसे 50 लोग है वो उनकी मदद की जा सकती है, तो कितना है ये उपकार का काम होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें, भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है, जबकि विकसित देशों में यह है 10 से 30 है। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन कृत्य के लिए आगे आए हैं, जिनमें साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योतिष बसु, प्रख्यात समाजसेवी श्री नाना देशमुख, साध्वी रितंभरा, क्रिकेटर गौतम गंभीर आदि शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्होंने अपने इन्होंने
अपने अंगदान करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और कुछ भविष्य में करने वाले हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके प्रश्न उत्तर आपको हमारी वेबसाइट पर हल करने के लिए मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.studylearner.in पर जाकर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं कि आपका जो पढ़ाई है वो कितनी समझ में आई है, कितनी तैयार हुई है। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।